पशु पालक भाइयों, क्या आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है? हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है? या आपका पशु शरीर से कमजोर है? तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए। रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे, और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है। चूक ना जाना न्यूट्री डाइट खिलाना। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमित कवि के हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। बिल्कुल, पशुपालन आज चरम सीमा पर चलिया हुआ। हरियाणा पंजाब में आप लोग देख रहे हो पशुओं के रेट, पशुओं की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, दूध की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और सारे भाइयों से अनुरोध है, जरूर पशुपालन करो। गाँव में देख रहे हैं, हम भी नोटिस कर रहे हैं, अब पशु घटता जा रहा है, लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों की ओर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक अनुरोध और है, अपने घर पे एक एक दो दो पशुपालन जरूर करें, ताकि अपने घर की आपूर्ति, घर का घी, दूध अपने बच्चों के लिए आपके पास हो सके। आज पहुंच चुके मेहता डेयरी फार्म रतेरा जिला भिवानी में। बहुत अच्छे पशुपालक से आपकी मुलाकात कराएंगे, बहुत अच्छे पशुधन इस वीडियो में सेल के लिए आप लोगों को दिखाएंगे। 5 से 6 वीडियो की दमदार और धाकड़ वीडियो हमारे बीच में होने वाली है, तो पूरी वीडियो सारे भाइयों ने देखकर कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। क्या सारे पशुधन जिस रेट की डिमांड पशुपालक भाई कर रहा है, क्या उसी रेट के हैं? जो पैसे वो मांग रहा है, जो ब्याज वो बता रहा है, क्या वो सभी बातें सही हैं? हमारा काम है आप लोगों तक पशुपालक के विचार लेके आना, फैसला आप लोगों ने करना है। अभी मुलाकात कराते हैं। मेहता साहब, राम राम। राम राम जी। देखो दर्शकों, रहन दो। राम राम जी सारे दर्शकों। थोड़ा उच्चा बोलो भाई साहब, गर्मी मान रहे हो? ना, गर्मी तो है। गर्मी तो है, फिर उच्चे तो बोलो। राम राम जी सारे भाई। और ठीक हो? बढ़िया जी। कैसा चल रहा काम? बढ़िया चल रहा जी। तेजी है या मंदा है? तेजी है जी, मंदा तो कोई नहीं, चलता है। तेजी है। हाँ जी। कितने क्या पशुधन खड़े हैं मौके पर डेयरी में? 6 हैं जी, 8 थी आज, 2 बेची, 6 बाकी हैं। अच्छा, 6 सेल की हैं। हाँ जी। कब से काम कर रहे हो मेहता साहब? मैं 2007 से। 2007 से, मतलब काफी लंबा टाइम हो गया। पहले तो कम रखा करते, एक दो रखा करते, अब 5 साल हो गए। 8-10 सेल परचेज का काम अपना करते हुए। ठीक ठीक। तो एक नंबर पशुधन से शुरुआत करते हैं। जोगिंदर भाई परले पास ले आइए, लेके आओ उधर से। एक नंबर पशुधन आ गया मेहता साहब, क्या डिटेल होने वाली है? तीसरे ब्याह के जी है। तीसरे ब्याह में बच्चा दे दी है? हाँ, है बच्चा, ब्याही हुई है। ब्याही हुई है। ठीक ठीक ठीक। कितने दिन हो गए ब्याही ने? 4th दिन की ब्याही है जी। 4th दिन की ब्याही। धार पूसा बढ़िया जी, 1 नंबर की। नीचे काफ क्या है? नीचे कटड़ा है जी। नीचे कटड़ा है। हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है, चौड़ा पीठ पुट्ठा है, और थना का आपा साइज भी देखने लग रहे। धार किस टाइम कटा है भाई साहब? धार कटा 6:30 बजे। 6:30 बजे ईव टाइम मेरे हिसाब से 5 बजे होंगे। हाँ जी, 5 बजे। 5:05 पर वीडियो बन रही है भाई, पशुधन आप सभी के सामने है। अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया, अडर देख कर लगता है अलग से ही कि दूध देने वाला पशु है। कितना का दूध है अभी मौके पे? 4th दिन की ब्याह के 12 किलो कांटे पे तोल का है जी। 12 किलो? हाँ जी। ठंडा दूध? ठंडा, कांटे पे तोल का। कांटे का तोल क्या लगता है, कितना दे देगी? 16-17 किलो दूध से कम नहीं। कम से कम? कम से कम है। दार पूसा ओके, 1 नंबर की बढ़िया। नीचे कटड़ी? नीचे कटड़ा। नीचे कटड़ा है भाई, और अडर देख लो बहुत बढ़िया अडर क्वालिटी की जोटी है, चौड़ा पीठ पुट्ठा है। तीसरे ब्याह में 4 दिन की ब्याह हुई है, और बहुत अच्छा दूध देने वाला पशु। के रेट सेट होंगे जी इसके? 1,55,000 रुपए मात्र। हाँ जी, देने लेने वाले एक ही बात है जी। यू काम आपका बढ़िया, हम भी वीडियो ऐसे ही बनाते हैं, तो अपने देने लेने वाले रेट होते हैं। 1,55,000 रुपये कीमत होगी। चेहरा मोरा आप सब भी देख सकते हो, देसी सिंह में, चौड़ा पीठ पुट्ठा, थनों का डिस्टेंस, अडर क्वालिटी, लंबा पूछड़, 1 नंबर पशुधन। 1,55,000 रुपये रेट होंगे भाई। दो नंबर ले आ जोगिंदर। दो नंबर पशुधन मेहता साहब, क्या डिटेल होने वाली है? ये 4 महीने की ब्याही है जी। 4 महीने की ब्याही। नीचे कटड़ा 1 महीने की ग्याबन है। 1 महीने चेक पास है? हाँ, चेक करा लेंगे। 1 महीने की ग्याबन होगी कल। 1 महीने की ग्याबन कल पूरा है। 1 महीने की ग्याबन। दूध कितना क्या है जी? दूध है जिसके 12 किलो कांटे पे तोलगा। कांटे के तोलगा 12 किलो दूध है भाई। सिंग बड़ा है लेकिन जैसा है जोटी पे, छोटा पीठ पुठा। ब्याह कौन सा है जी? दूसरे ब्याह की जी। दूसरे ब्याह में 4 महीने की ब्याही, 1 महीने की प्रेगनेंसी से कटड़ा। धार पूसा में था साहब? धार पूसा की बढ़िया, 14 किलो दूध दिया है इन्हें। अच्छा, 14 किलो ने दूध दिया? 14 ही दिया है, ले आए तो उम्मीद पे ज्यादा, लेकिन 14 ही दिया है। अपन ने 18 दिया, 20 दिया, 14 किलो ही दूध दिया। अब 12 किलो कांटे पे तोलगा, 1 महीने की ब्याह, 4 महीने की ब्याही है। ठीक ठीक। क्या मोल तोलोगे जी? 1.5 लाख की देवांगे जी। 1,50,000 रुपये? हाँ जी, 1.5 लाख रुपए कीमत होगी भाई। पशुधन आप सभी देख सकते हो, थोड़ा पीठ पुट्ठा, चेहरा मोरे की बनावट है आप सभी के सामने, बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन है। 3 नंबर पशुधन जो आप देखने लग रहे हैं भाई जी, क्या कुछ डिटेल होने वाली है?
दूसरे ब्यात की है जी है। दूसरे ब्यात की 14-15 किलो के बीच में दूध है, 7-8 दिन की ब्याई है, नीचा कटड़ी है जी। नीचा कटड़ी है, अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया भाई जी। थोड़ा बच्चा चूंगा इसका, थोड़ी देर पहले खुल गया था। अच्छा, एक साइड का थोड़ा थन पी गया इसका, जब पोस ली है। चौड़ा पीठ पुठेगी सही नज सिंह भी आप सभी के सामने देख सको हो। ब्यात कौन सा बताओ थे जी? दूसरे ब्यात की है जी। दूसरे ब्यात की 8 दिन की ब्याई, 8 दिन की ब्याई है। 14 किलो से लेके 15 किलो के बीच में दूध है। 14 से ऊपर 15 से नीचे, 14 से ऊपर 15 से नीचे। कितना दूध दे देगी मैं तो सर? 18-19 किलो दूध देगी कम से कम। कम से कम नीचे कटड़ी है जी, नीचे कटड़ी है, 18-19 किलो दूध देने का काम करेगी। रेट सेट क्या होंगे सर? 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए में भाई आप सभी के सामने है। बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन है। चेहरा मोरा उमरा गांव की है जी। अच्छा, उमरा गांव की है। हाँ जी, यह भी कोई खास बात है कि जी? ये तो खास है जी। ठीक ठीक ठीक, यह लाइव भाई जी ने आग्रह उमरा गांव की भैंस है, आप सभी के सामने है, देख सको हो। उमरा के जंगल की कह लो, उमरा जिला आसी में पड़ता है जी। हाँ जी, जिला आसी है जी। उमरा डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वो हिसार में है भाई। पहलवानों का ऐतिहासिक गांव रहा है, बहुत बड़ा। दे आप सभी के सामने दिखा देख। ओके अंकित जी, आगे ना सारी 4 नंबर ले आ जोगिंदर भाई। 4 नंबर पशुधन मीनी झोटी। हाँ जी, क्या कुछ डेल होने वाली है जी? दूसरे ब्यात की, दोनों सिंगल हैं जी। अच्छा, दोनों सिंग, एक छोटा ला के दिखाइए सिंग एक बार। हाँ ले भाई, सिंगल है। दूसरे ब्यात में बच्चा दे रही है जी? हाँ जी, नीचे कटड़ी है इसके। नीचे कटड़ी है, कितने दिन की ब्याई होली जी? ये 6-7 दिन की ब्याई है जी। 6-7 दिन की ब्याई। धार पूसा बढ़िया है जी। 12 किलो दूध है कांटे पे तोलने का। कांटे पे तोलने का 12 किलो दूध, अडर पूरा जोश में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो एचएफ गाय का नहीं अडर, टाइट अडर, टाइट अडर की है। 12 किलो दूध कांटे पे तोलने का है। 1.5 किलो की गाड़ी है। 1.5 किलो की गाड़ी। हाँ जी, ये कौन से गाँव की है? ये जी आजमपुर की जी। आजमपुर की। जोगिंदर जी थोड़े साइड हो जाओ। कितना के दूध दे देगी मैं? 15-16 किलो दूध देगी जी। कम से कम, कम से कम देगी। नीचे क्या बताया? नीचे कटड़ी है जी। नीचे कटड़ी है, दूसरे ब्यात में है, ब्याई है 5-6 दिन की। 5-6 दिन की मौके पे दूध है। 12 किलो, 12 किलो दूध देगी। 15 किलो 16 किलो। और मोल कितने हैं जी इसके? 1,45,000 रुपए। 1,45,000 रुपए कीमत होगी आप सभी के सामने भाई। मिनी झोटी जी, आप भिंडी भी कहते हैं जी। दोनों सिंगल है, दोनों सिंगल है। लोटा देख लो, धार पुसा भी 1 नंबर की, नरम धार, मोटी धार, फोकी धार है, बढ़िया धार है, मोटी। कोई भी काट लो, कोई भी काटो, नरम मोटी धार है, नरम मोटी धार है भाई। 6:30 बजे भाई साहब धार निकाल ले आ रहे हैं। 6:30 बताओ देना। 5 बजे के बाद ये वीडियो बनने लग रही है आप सभी के सामने। पशुधन आप लोग देख सको। 4 नंबर पशुधन जो वीडियो में आप सभी के सामने है। 5 नंबर पशुधन आ गया भाई साहब। क्या कुछ डिटेल होने वाली है मेहता साहब? ये तीसरे ब्यात की है जी। तीसरे ब्यात में कितने दिन की होली है ब्याई ने? ये 12-13 दिन की ब्याई है जी। मैले लग रही है। अच्छा, मैले लग रही है जी। पुंजड़ पे बाल नहीं रह रहे हैं? बाल काट रखे थे जी मालिक ने, अपने तो कटे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मालिक ने? बाकी दिक्कत नहीं है, कोई भी साफ है पुंजड़, कोई वो नहीं है। ठीक ठीक, मैं कई बार बीमारी भी मोरी काट लिया है। साफ है जी, बाल छोटे छोटे आ भी रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। नीचे बच्चा क्या है? नीचे कटड़ी है जी। नीचे कटड़ी 10-12 दिन की ब्याई बताई जी। मैला लग रही है, 13 दिन की ब्याई होगी। 13 दिन की। दूध कितना क्या है? दूध है जी कांटे पे तोलने का 17 किलो। 17 किलो दूध कांटे पे तोलने का। भाई साहब पूरी गारंटी ले रहे, इधर इधर रखा करो जोगिंदर जी। 17 किलो दूध काटे के तोलगा रहे। धार पूसा जी मैं साहब 1 नंबर की नीचे 3 किलो, 3.5 किलो की गाड़ी है जी। 3.5 किलो की गाड़ी। हाँ जी। अच्छा, आप खुद का डेरा उधार है जोगिंदर का डेरा? भाई का डेरा काटा रख रखा है, काट तोल के बताया करा जोगिंदर किसी है उधार है? अच्छा, बढ़िया धार पूसा 1 नंबर की। के कुछ मोल तो लोगे जी इसके? 2,05,000 रुपए जी। 2,05,000 रुपए। 2,05,000 रुपए पशुधन का इसका रेट बताया भाई मेहता साहब ने। क्या केला गज कितना दूध दे देगी? 20 किलो दूध देगी जी। कम से कम 20 किलो दूध देने का काम करेगी। चौड़ा पीठ पुट्टा चेहरे मोरे की बनावट है, सींग अडर क्वालिटी थन पुसा आप सभी के सामने भाई देख सको हो। 2,05,000 रुपए में 20 किलो की झोटिया पर कैस कहा? 20 किलो दूध तुला के दे जी 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद 20 किलो दूध तोड़ भाई लेने का इच्छुक हो? हाँ हाँ, 19.5 भी रह जाए, 20.5 भी कर दे। 6 नंबर पशुधन आ गया अन्नी भाई साहब मेहता जी, क्या डिटेल होने वाली है? दूसरे ब्यात की है, कल ब्याई दिया। अच्छा, कल ही ब्याई है? हाँ जी, खीस तो खाली कर रखी है बिल्कुल। ठीक ठीक, खीस से खाली होने। कितना क्या खीस निकाल लिया जी? कितना क्या इसका? कल शाम, कल ब्याई सवेरा जितना कल शाम को निकाला 6 किलो सवेरा 3 किलो जमा खाली होगी। ठीक 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 ठीक। बच्चा इन्हें एज नहीं रखा जी।
बच्चा ही नहीं रखा माने। हाँ बच्चा नहीं, बच्चा नहीं पकड़ रही, टिक्के पे निकाल रहे हैं। अच्छा टिक्के पे निकाल रहे हो, बच्चा नहीं पकड़ रही। हाँ बच्चा नहीं पकड़ा, नहीं ब्याह। यूं पांचवा थोड़ा भी एक छोटा सा। यो निशानी सी है इसमें, कोई वो नहीं। अच्छा अच्छा, कितना क्या दूध दे देगी जी, क्या लग गया है? लग गया, उम्मीद तो थी 14-15 किलो की, भी बच्चा ही नहीं पकड़ी। देखो जी कितना देगी कितना नहीं, वो तो देखो उसमें तो क्या कर सका। बाकी 14-15 किलो की उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, क्या लग गया फिर, बच्चा बुच्चा लगा लेगी या? देखो जी अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसका। ठीक ठीक ठीक, बच्चा मौके पे लगाया नहीं इसने, मौके पे बच्चा लगाया नहीं है। धार पूसा कैसा है? धार पूसा बढ़िया है जी, बढ़िया धार पूसा है। अब टीका निकाल, टीका लगा मार के दूध निकालना जी। ठीक ठीक, के कुछ मोल तो लोगे जी? मोल तो सेट होने पे बेचेंगे जी, इसका के मोल मोल तो कुछ भी। तो इस नापा जब सेल करांगे तो सेट करके करांगे, सेट करके करांगे जी। उन जैसे एस्टीमेट की आप अगर बात करें, अगर बढ़िया पशु सेट होगा यू तो 35-35 की देवांगे, 35-35 के लमसम देवांगे सेट होने के बाद। हाँ अगर और ज्यादा दूध होगा भाई वो अलग बात है, वो बात करिए। खराब भी हो जाए सही भी हो जाए इसका कुछ नहीं पता, इसका कुछ नहीं पता। बहुत बढ़िया बात करिए भाई, ठीक भी हो जाए और गलत भी हो जाए, 80 की भी रह जाए और 40-45 की भी हो जाए, 40-45 की भी। ठीक बात है भाई साहब, अगर ठीक ठाक सेट हो गया, पशुधन बच्चा लगा लिया, बढ़िया दूध दिया, तो 1,35,000 रुपए का रेट होगा। कितने किलो दूध पे जी? 13-14 किलो दूध, 13-14 किलो दूध पे। अगर बनाती है 16-17 किलो तो उस हिसाब से रेट, उस हिसाब से रेट। आज आप 13 गांव में पहुंचे हैं, मेहता डेयरी फार्म पे, आप सभी के समक्ष है पशुधन भाई। तो भाई अन्नी मेहता भाई के पास आप पहुंचे थे गाँव रतेरा जिला भिवानी में, मेहता डेयरी फार्म पे। 5 से 6 पशुधन अच्छी अच्छी क्वालिटी के, बहुत बढ़िया वाजिब रेटों के, बहुत बढ़िया अच्छे मिल्क के पशु आप लोगों को दिखाए हैं भाई वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताना है। पशुधन भाई का है, रेट भाई के हैं, क्योंकि सेल भाई ने करना है। हम अपनी तरफ से कुछ रेट लगा कर चाला कुछ रेट बतावा तो वो इंटरफेयर करना हमारे बस का नहीं है, वो इंटरफेयर गलत होता है भाई। क्योंकि अगला पशुपालक कोई साल में मेहनत करता है, कोई कई साल मेहनत करता है, कोई कितनी कितनी दूर तक हंड के पशु ले आवे, तो उस चीज़ को भाई वो भाई ही जानता है। तो उस चीज़ के लिए आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते, कौन कितने क्या रेट मांग रहा है। पीछे एक दो वीडियो बनाई थी, उन पर कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, एक दो भाई का फ़ोन भी आया कि गुरमीत भाई ऐसे ऐसे है भाई इतना रेट मांग रहा है। देखो उसको हम टोक सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो बात हो ना बोला भाई मना पता है कितने का पशुधन है, वो सभी बातें आ जाए। क्यों मैं था साहब? हाँ जी, झूठ का वो बार गुन करा जी अपन है। आप तो ना तो बिल्कुल अपन जी 16-17 साल हो गए करते। हाँ। जो चीज बता के दी, हर चीज बता के दी, जितना दूध है दूध, कम है कम, ज्यादा है तो ज्यादा, सारी बातें क्लियर करके दी। दुकान होती तो कदे की बंद हो ले, कदे की बंद हो ले, ठीक बात है। 16-17 साल तो गाँव रतेरा है, जिला भिवानी है, मेहता डेयरी फार्म है भाई अन्नी मेहता। मोबाइल नंबर आप बताओ? 92531-87,000 है जी, 92531-87,000 भाई का मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप का भी यही नंबर है जी? यही नंबर है जी, व्हाट्सएप का भी यही नंबर है। रतेरा जो गांव है कितनी दूर पड़ता है जी भिवानी से? भिवानी से 30 किलोमीटर जी, भिवानी से 30 किलोमीटर। और 80 से कितनी दूर है जी? 18 किलोमीटर जी, 80 से 18 किलोमीटर। कौन से रोड पे 80 से? 80 से उमरा, उमरा से रतेरा जी। 80 से आप उमरा आइए, उमरा से रतेरा आइए, बिल्कुल रतेरा गांव में थोड़ी सी एंट्री करते ही आपको भाई साहब का डेयरी फार्म मिल जाएगा। बहुत अच्छा साफ सुथरा भाई का काम है, बहुत अच्छा साफ सुथरा भाई का बिल्कुल तरीका है बातचीत करने का, पशुओं की बात पशुपालकों के साथ। आज अन्नी मेहता भाई के साथ आपकी मुलाकात कराई है, बहुत साफ सुथरे पशुधन आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए। सारे पशुपालन विकास में देखने वाले भाई है ना भाई, राम राम, राम राम।